हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे थे मॉल बहुत दिनों बाद, आप कह सकते हो लॉकडाउन में फर्स्ट टाइम, लॉकडाउन के बाद फर्स्ट टाइम, और खासकर अपनी बेटी को लेके। तो बस वो काफ़ी एक्साइटेड है, तो हम लोग ने सोचा कि आज थोड़ी सी शॉपिंग भी कर ली जाए उसके लिए, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद जा रही है मॉल। और हम लोग बस उसी की तैयारी करने वाली हूँ अभी। तो मैं बस घर के कपड़े में हूँ, बस उसके बाद मैं रेडी होंगी, और रेडी होके अगर हो पाएगा तो मैं आपसे मिलूँगी, वरना डायरेक्ट मॉल में मिलूँगी। और चलिए चलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा और आप किस तरह के ब्लॉग देखना चाहते हो। और सब कुछ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, हम लोग आ गए थे फिनिक्स मॉल, और मैं आपसे घर पे नहीं बात कर पाई डायरेक्ट, मैंने यहीं पे शूट शुरू किया, मतलब व्लॉग शुरू किया आप कह सकते हो। और ये कुछ इस तरह का डेकोरेशन था क्रिसमस के, उससे काफ़ी अच्छा मॉल डेकोरेट था, तो मैंने सोचा कि आप सबको दिखा दूँ। तो बस यहाँ पे कुछ प्रोग्राम भी चल रहा था, जैसा आपने शुरू में देखा कुछ फॉरेनर्स पियानो वगैरह बजा रहे थे, वॉयलिन सॉरी। और यहाँ पे एक हट टाइप की बनी थी जिसमें पूरा क्रिसमस का डेकोरेशन था, वो हम लोग यहाँ पे बस फोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे। और यहाँ पे ये देखिए क्रिसमस ट्री बना है, पूरा थीम पूरी क्रिसमस की थी, पूरे डेकोरेशन की। तो ये था बस, कुछ इस तरह से हम लोग ने इन्जॉय किया। सो गाइज, हम लोग आए थे ये शोरूम, ये कुछ पेपरमेंट का शोरूम है, मतलब स्टोर है, कुछ आउटलेट आप जो भी कह सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी जो मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी। कुछ सामान हम लोग ने मैक से भी लिया था, जो कि वो भी मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी। और यहाँ पे हम लोग कुछ
सेल्फीज क्लिक कर रहे थे, और ये था मेरा आज का आउटफिट। अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, तो बस वेट कर रहे हैं कि मेरे हस्बैंड गाड़ी लेके आए। आपको यहाँ पे मेरा अगर आईलाइनर अच्छा लग रहा हो तो ये कफ एंड लैशेस से मैंने लिया है वाइट आईलाइनर। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं पार्किंग में गाड़ी का। हम लोग घर ही जा रहे हैं, अब शॉपिंग वगैरह हो गई, अब मैं आपको घर चल के मिलूंगी। ओके बाय। गाइस आई एम बैक, और मैंने चेंज वगैरह कर लिया है क्योंकि आते ही चेंज करना बहुत ज़रूरी है। बस मैंने अभी थोड़ा बहुत जो मेकअप अप्लाई किया था वो रिमूव नहीं किया है, क्योंकि मैंने सोचा जो कुछ भी मैंने शॉपिंग की है वो आपको दिखा दूँ, उसके बाद एकदम फाइनल मेकअप रिमूव कर देते हैं। तो बस इसीलिए मैं बैठी हूँ आपको वो सब दिखाने जो मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। और मोस्टली शॉपिंग मैंने की है अपनी बेटी के लिए, जो कि पूरे पैंडेमिक में फर्स्ट टाइम निकली थी घर से बाहर मॉल के लिए। खासकर मतलब हम लोग ऐसे कहीं भी जाते थे तो अपने घर से बहुत ज़्यादा किसी और के घर, मतलब पब्लिक प्लेस पर उसको लेके अभी तक नहीं गए थे, एक्सेप्ट मेरे ब्रदर इन लॉ की इंगेजमेंट। उसके बाद आज फर्स्ट टाइम ऐसा था कि हम लोग उसको मॉल में लेके गए थे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, तो उसने ज़्यादातर अपने लिए ही शॉपिंग की है। तो हम लोग ने भी सोचा कि ठीक है, बहुत दिनों बाद उसको मौका मिल रहा है तो ठीक है, वो ही कर ले अपने लिए शॉपिंग। तो इस वजह से तो पहले तो हम लोग ने कुछ शॉपिंग की है मैक से, कुछ इतनी है, जिसमें से एक मैंने बेलीज ली है, ये बिल वगैरह, एक ये मैंने बेलीज ली है मैक्स की है, मेरा साइज 38 है, और ये अराउंड 799 लिखा है, बट वो ऑफ़र में थी 599 के। तो ये कुछ बेलीज है जो कि आप किसी भी आउटफिट पे कैरी कर सकते हो, ट्रेडिशनल वेस्टर्न। देन मैंने कुछ फुल टी शर्ट्स ली हैं अपनी बेटी के लिए, तो इसमें भी ऑफ़र था, 170 की वन थी, तो इस वजह से हम लोग ने तीन टी शर्ट ली है। एक ये है बेबी पिंक कलर में, एक ये है, ये सॉरी ये स्वेट शर्ट है, और ये है 549 की, और इसमें बना है यूनिकॉर्न। और एक ये टी शर्ट है 170 की, अगेन इन रेड कलर। और कौन सी थी, और एक ये है ब्लू कलर की, ये भी फुल टी शर्ट है। तो फुल टी शर्ट बहुत सारे काम आती है ठंड में, ऑब्वियसली घर में भी पहनने के लिए, बाहर भी पहनने के लिए। तो ये था एक। फिर हम लोग ने ये ली है लॉन्ग ड्रेस टाइप की है, थोड़ी सी इसका मटेरियल जो है वुलन है, थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा ब्लिंगी ब्लिंगी है, शिमरी कपड़ा है, तो आप इसको लेगिन वगैरह पे पहना सकते हो हल्की ठंड में, तो काफ़ी अच्छी लगेगी, उस पर्पज़ से ली है। और ये सारे जितने भी कपड़े हैं वो सब उसी के पसंद के हैं। एक ये हुडी ली है अगेन ठंड के लिए। देन एक ये हाफ जैकेट ली है, काफ़ी प्यारी लग रही थी, पिंक कलर की, इसका प्राइस 699 है, इसका तरह की है, और सारे साइजेस 7 to 8 हैं, क्योंकि 5 to 6 to 7 शायद नहीं आते हैं इस वजह से। और ये दो सॉक्स लिए हैं, ये सब कुछ मैक्स का है। और एक ये फ्रॉक उसने ली है ज़बरदस्ती, खाली इसलिए क्योंकि उसमें क्रिसमस ट्री बना था कुछ इस तरह का, तो है तो ये गर्मियों वाली, बट उसने क्रिसमस ट्री के उससे ली है, और बहुत ही अफोर्डेबल है, 400 की है ये। इसमें अंदर टी शर्ट है प्लस ऊपर फ्रॉक है, तो काफ़ी सस्ती है आप कह सकते हो। देन हम लोग एक दूसरे शोरूम गए थे पेपरमिंट, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, उस वहाँ से एक पोचू लिया है, ये ब्लू कलर का, और काफ़ी पार्टी वियर है, पीछे जिप भी है, आप ओपन करके इजली पहना सकते हो, हाई नेक है तो बच्चा बिल्कुल भी घर ठंडाएगा नहीं, तो उस तरह से है। और इस पे भी ऑफर था तो काफ़ी अच्छे प्राइस पर मिल गया था, मुझे याद नहीं कितने का था,
देन एक ये पो श्रग लिया है, क्यूट सा लग रहा था बहुत, बेबी पिंक कलर में है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत ही ज़्यादा इस तरह का। मेरे पास एक कोट है जो मैंने शीन से लिया था, उसी मटेरियल का है ये, और ये भी 699 का है। और एक हम लोग ने क्या उनके ही लिए है, ये लेगिन वुलन लेगिन है ब्लैक कलर की, तो ये सारी शॉपिंग उन्हीं के लिए है, बेटी के लिए मेरी। तो बस कुछ ये हम लोग ने किया और थोड़ा बहुत मैकडोनल्ड में खाया पिया जैसे कि आपने देखा वीडियो में। तो बस ये था, और मैं अब इस व्लॉग को यही एंड करूँगी क्योंकि बस इतना सा था आज का दिन, संडे हम लोग का बहुत 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 टाइम बाद ऐसे आउटिंग की हम लोग ने, और ख़ासकर इस दौरान जब से कोरोना चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा रहा, मूड भी काफ़ी फ्रेश हो गया। तो मैं करूँगी इस व्लॉग का यहीं पे एंड, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है आपको, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करके बताना है कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, बाय बाय।